Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today in this video we are discussing the question answer of chapter The Summer of the Beautiful White Horse, Class 11 Snapshots book ka name hai. To iska first question hai, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion make it interesting? इस चैप्टर में कोई इंटरेस्टिंग या कोई भी इंसिडेंट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट नहीं है जो हम बता सके, या कोई भी एडवेंचर नहीं है. फिर भी इस स्टोरी को पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आया. ये स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी कि आगे क्या होगा इस स्टोरी में, फिर आगे क्या होगा कि जैसे जॉन बायरो को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हॉर्स किसने चुराया. तो हमें इसमें अपने व्यू देने हैं, हमें अपने ओपिनियन देने कि मेक इट इंटरेस्टिंग दिस स्टोरी. तो आंसर है द स्टोरी डिड नॉट हैव एक्साइटिंग एक्शन एंड ब्रीथलेस एडवेंचर, येट इट हैड अ सस्पेंस इन द स्टोरी विच मेड इट इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर. कोई भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, सिर्फ स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है वो बना रहा है सस्पेंस. यानी इस स्टोरी में क्या इंटरेस्टिंग है? सस्पेंस इंटरेस्टिंग है. It was a good psychological narration and both the boys wanted to try something adventure. इसमें इच्छा है, क्या इच्छा है, मतलब हमें जानने की इच्छा है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा. कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो जॉन बायरो है उसको पता चल जाएगा कि बच्चों ने हॉर्स चुराया है. ऐसा इस चैप्टर में सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, जो कि चैप्टर को क्या कर रहा है, सस्पेंस बना रहा है तो इंटरेस्टिंग बना रहा है. ये एक मज़ेदार चैप्टर है. और जो इसमें दोनों बच्चे हैं, इसमें कुछ एडवेंचर करते हैं और दोनों बच्चे के बहुत क्या करते हैं, एडवेंचरस करते हैं. एज देयर फैमिली वॉज पुअर एंड दे बोथ वॉन्टेड टू राइड अ हॉर्स. इन दोनों बच्चों की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, बट जो दोनों बच्चे थे उनकी एक इच्छा थी, और वो इच्छा क्या थी कि वो एक बार क्या करे, हॉर्स राइडिंग करनी है. तो मुराद स्टोल इट एंड दे बोथ रोड इट फॉर क्वाइट सम टाइम. तो इसमें जो मुराद, वो जो बच्चा था, उसने क्या किया, उसने वो हॉर्स चुरा लिया. और जब उसने हॉर्स चुरा लिया तो उन्होंने हॉर्स राइडिंग की और अपनी इच्छा पूरी की. आफ्टर दे वर ओवर देयर गेम प्ले दे टुक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ओनर. दोनों बच्चों ने हॉर्स चुराया, हॉर्स चुरा के उन्होंने हॉर्स राइडिंग की इच्छा पूरी कर ली. फाइनली जब उनका दिल भर गया कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है, उन्होंने हॉर्स राइडिंग कर ली है, तो उन्होंने उस हॉर्स को उसके ओरिजिनल प्लेस में जाके रख दिया. तो इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है, वो बच्चों का एडवेंचर इंटरेस्टिंग बनाता है और सस्पेंस इंटरेस्टिंग बनाता है. क्या सस्पेंस, कि कहीं जॉन बायरो को पता तो नहीं चल गया कि बच्चों ने घोड़ा चुराया है, क्यों चुराया है. इसलिए ये स्टोरी क्या लग रही है, हमें इंटरेस्टिंग लग रही है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे आर अफेयर्ड. आपको क्या लगता है कि बच्चों ने जो वो घोड़ा था उसको वापस क्यों किया, क्यों? क्योंकि उनका मन था, वो डर रहे थे कि कहीं जॉन बायरो को पता ना चल जाए कौन वो बच्चे. तो उन्होंने उस घोड़े को आखिर क्यों वापस लौटाया, क्योंकि वो कॉन्शियस थे या अफेयर थे, आपको ये बताना है. तो आंसर है द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर अफेयर्ड बट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियस. जो बच्चे थे उन्होंने हॉर्स को वापस लौटाया इसलिए नहीं कि वो डर रहे थे, बल्कि इसलिए लौटाया क्योंकि वो कॉन्शियस थे. कॉन्शियस क्यों? क्योंकि उनको ये था कि अरे हमने किसी की चीज़ चुराई है तो हमें उसको उसका चीज़ क्या करना है, वापस भी करना है. देयर फैमिली वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, येट दे हैड स्टोलन द हॉर्स मंथ एगो. When they met John Byrow on his way to town, the horse was with them. He carefully examined it and shared that it looked exactly like the one, just like a twin. तो जो वो बच्चे थे, उन बच्चों की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा
प्रसिद्ध थी, यानी सब उनको ईमानदार मानते थे। और जो वो बच्चे थे, उन बच्चों ने एक महीने तक क्या किया था, उस घोड़े को अपने पास रखा था जिस घोड़े को उन्होंने चुराया था। फाइनली एक दिन वो जॉन बायरो को मिले, और जब वो जॉन बायरो को मिले टाउन पे, तो जॉन बायरो ने वो जो हॉर्स देखा, तो वो उसको देख के उसने एग्ज़ामिन किया, और उसने ये सोचा कि ये घोड़ा देखने में तो बिल्कुल मेरे ही घोड़े जैसा है जो कि किसी ने चुरा लिया है, बट ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये शायद उस घोड़े का ट्विन है, यानी उसका जुड़वा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा घोड़ा हो ही नहीं सकता। इट फेल्ट लाइक इट वॉज इज होन हॉर्स, बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट, ही डिडेंट बिलीव इट वॉज हिज हॉर्स दे वर कैरिंग। क्यों जॉन बायरो ने ऐसा क्यों सोचा? जॉन बायरो ने इसलिए सोचा कि वो ट्विन है। क्यों? क्योंकि जो उन दो बच्चों के जो पेरेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो ये नहीं मान सकता कि कभी भी ये लोग चोरी कर सकते हैं। वो ये ज़रूर मान सकता है कि ये मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है। द स्टक द बॉयज एंड दे डिसाइडेड टू टेक द हॉर्स बैक टू द फार्मर्स वाइन यार्ड टू पुट इन द बार्न। तो ये चीज़ बच्चों को क्या कर गई, हिट कर गई। स्टक मीन्स हिट कर गई, कि फाइनली तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जॉन बायरो ने अपना घोड़ा भी देखा, मगर वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये उसी का घोड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो जिस फैमिली से वो बच्चे बिलोंग करते हैं, बहुत ईमानदारी वाली फैमिली है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम उसका घोड़ा उसको वापस कर देंगे। तो इससे ये है कि जो बच्चे थे, बच्चे ने वो हॉर्स रिटर्न इसलिए किया क्योंकि वो क्या हो गए थे, डरे नहीं थे बल्कि कॉन्शियस थे। उनको ये था कि अरे हमने कोई चीज़ चुराई है तो हमें उसकी वो चीज़ वापस करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. The story began in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, जिसमें इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि अगर इस प्रकार का इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप क्या करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ऑथर बोलते हैं कि कैसे हमने हॉर्स चुराया था जब हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो अपनी स्टोरी नरेट करते हैं, तो वो यही पूछ रहे हैं कि ऑथर कि आप भी अपनी एक स्टोरी नरेट करें और हमें बताएं कि कौन सी अपने बचपन की स्टोरी, कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है बचपन में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो इसमें आंसर है, By reading those lines, no one can stop themselves from traveling back to the memory lane. तो लाइन नरेट करने के बाद कोई भी अपने आप को नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे बचपन की कुछ मेमोरी है जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो उसमें से एक स्टोरी है, I remember when I was 10 year old, I used to visit my grandparents' home which was located at a hill station. तो मुझे एक memory याद आ रही है कि क्या मेरे बचपन की, जब मैं 10 साल की थी तो मैं अपने एक बार grandparents के घर गई, जो कि grandparents का घर कहाँ था, hill station में था। I would spend my entire summer vacation with them. मैं अपना पूरा summer vacation यानी गर्मियों की छुट्टी कहाँ बिताती थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ बिताती थी। वी वुड गो टू द मार्केट टू ईट डिलीशियस स्नैक्स, वुड गो शॉपिंग एंड वॉच टीवी टुगेदर। हम लोग एक साथ मार्केट जाते थे, डिलीशियस स्नैक खाते थे और शॉपिंग भी करते थे और टीवी एक साथ ही देखते थे। आई रिमेंबर वंस गोइंग टू अ समर कैम्प फॉर अ मंथ। एक बार मुझे ये भी याद है कि एक बार समर वेकेशन के टाइम हमारा समर कैंप लगा, जो कि एक महीने के लिए था। दे वुड ड्रॉप मी ऑफ टू द प्लेस एंड वुड कम टू पिक अप मी अप आफ्टर द क्लासेस गो टू ओवर सम टाइम। माय ग्रैंडमदर वुड ब्रिंग अ पैक्ड लंच फॉर मी। तो मुझे वो ड्रॉप भी करते थे उस समर कैंप में और फिर वापस मुझे लेने के लिए भी आते थे जब मेरी क्लासेस ओवर हो जाती थी। यहाँ तक कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी, वो मेरे लिए कभी कभार लंच भी लेकर आती थी, जो कि वो पैक करके लाती थी। आई वुड ईट इट एज
fast as we could as we would go shopping after that. I always got sad whenever I had to go back to my home, to back to school. तो जब भी हम फिर क्या करते थे, पैक करके लंच खा लेते थे, फिर हम वापस कहाँ चले जाते थे, शॉपिंग करने के लिए चले जाते थे. और जब मुझे ये पता चलता था कि अब मुझे वापस बैक अपने स्कूल जाना है, अपने घर जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी. तो ये वो स्टोरी है जो कि क्या बोलते हैं, नरेटर ने हमसे पूछी है, हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी जब हम क्या थे, बचपन में थे. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, और अगर समझ आए होंगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.